KGF 2 देख लें, अभी रिलीज हुई है 14 अप्रैल को, तो क्या कहेंगे? मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, मैं रिसेंटली दुबई से आया हूं और अभी KGF देख के आया हूं। इट वाज अ वन ऑफ द अमेजिंग मूवी। चैप्टर 1 मैंने पाकिस्तान में देखा था, लेकिन चैप्टर 2 एक तो बॉलीवुड जो दिखा रहा है और जो तमिल मूवीज है ना वो एक वास्ट लेवल पे और होती है, जबकि बॉलीवुड में एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है लेकिन उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं होती। जो संजय दत्त और रॉकी का जो उन्होंने सिस्टम डाला हुआ है ना बीच में, उनके जो विलन और हीरो वाला है, उनके एटीट्यूड, उनका जो स्टाइल है वो बड़ा अच्छा लगा। चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 1 को बीट कर जाएगा। एब्सोल्युटली। तो उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे बड़ी मेन, अब जो भी मूवीज आती है 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ कमा के चली जाती, जबकि तमिल आप देख लें वो स्टार्टिंग ही उनकी फर्स्ट डे से मैंने टिकट ब्लैक में खरीदी है KGF की दुबई में। जय हिंद दोस्तों, चैनल पे स्वागत। जिस तरीके से KGF चैप्टर 2 तहलका मचा दिया पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग दीवाने हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी सी बात मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। ये लोग समझते ही ये तमिल इंडस्ट्री से फिल्म आया है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कन्नड़ा इंडस्ट्री से आया है। लेकिन हम सब इंडियंस गर्व से कहते हैं KGF चैप्टर 2 एक इंडियन सिनेमा है। चले दोस्तों, पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं, पहले वीडियो को देखते हैं। सर, पार्ट 2 में आपको क्या सरप्राइज ऐसा नजर आया? वेल, द सरप्राइज वाज के जो पीएम जो होता रवीना टंडन शायद उनका नाम है, उनकी जब एंट्री हुई थी, जब उनका जब पहला फेस देखा तो आई वाज लाइक यार ये तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्टर्स हैं, तो ये कैसे यहाँ पे आ गई, तो वही एक सरप्राइज था। बाकी सारे एलिमेंट्स तो काफी सरप्राइज थे। संजय दत्त एंट्री मारा था तो काफी अच्छी मूवी थी। इसका चैप्टर 2 में जो जान डाली वो संजय दत्त ने डाली है। इसकी लुक इसमें बहुत अच्छी आई थी, जो जैसे फ्रोनो वाली लुक आई थी, अच्छा मजा आया फिल्म। क्या सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? वेल, उसमें जो संजय दत्त और रॉकी का जो उन्होंने सिस्टम डाला हुआ है ना बीच में, उनके जो विलन और हीरो वाला है, उनके एटीट्यूड, उनका जो स्टाइल है वो बड़ा अच्छा लगा। चैप्टर 2 जो है वो चैप्टर 1 को बीट कर जाएगा। एब्सोल्युटली। कैसे लगता है आपको? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जो उसके विलन है उसने ही बहुत ज़्यादा कमाल, जिसने एंट्री उसने दी बीच को पकड़ के और सारी गाड़ियाँ वगैरह गुजर, तो वो बहुत अच्छा उसका था एंट्री सीन। सर, जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? संजय दत्त। संजय दत्त, आपको लगता है कि मूवी में आके इसने जान और बढ़ा दिया KGF 2 की? बिल्कुल बिल्कुल, जो KGF चैप्टर 2 है उसकी जान जो है मैं समझूंगा यही है। संजय दत्त संजय दत्त ऑलवेज एज अ विलन वो सबसे अच्छा एक्ट करता है और उसकी हमेशा क्लास ही यही है। वो विलन्स में वन ऑफ द बेस्ट विलन्स एक्ट कर सकता है आज की जो बॉलीवुड एक्टर्स में है। अच्छा, KGF आपने 1 देखी, उसमें आपको कौन सा सीन सबसे ज़्यादा प्यारा लगा? KGF 1 जब इसको इसकी जब एंट्री डलती है, इसका जो बॉस होता है जिसको मना करता है कि हम मतलब डोन नहीं बनने देंगे, हमारा राज है, तो जो बड़ा डोन आता है वो उसको आके सारा काम देता है कि ये पता नहीं किसी को मारने का कहता है, अगर उसको मार दोगे तो आप मेरे भी डोन हो वो। अच्छा, KGF 1 में आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग सीन लगा हो? जब उसे रॉकी को उन्होंने पकड़ा था और जब वो उसका आईडी कार्ड वगैरह लेके आया था। कहाँ पे? ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस स्टेशन में वो सिगरेट लगा के। जी बिल्कुल। अच्छा, KGF 2 में क्या सीन लगा आपको? KGF 2 के अंदर वही जो था मैंने आपको कहा संजय दत्त वाला सीन, जब उसने ब्रिज को पकड़ा और सब गाड़ियाँ वगैरह गई, वो उसका मोस्ट थ्रिलिंग सीन था। आपको लगता है कि पाकिस्तान सिनेमा में भी लगेंगी ये मूवी? एब्सोल्युट। अच्छा, संजय दत्त की एंट्री कैसी लगी? संजय दत्त की एंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग थिंग्स जो उसमें नजर आई थी, तो आगे अभी देखें जिस तरह की स्टोरी प्रोग्रेस हुई थी ना उसमें उसका वो सारा जो एंट्री का लेवल है ना वो हाई था। संजय दत्त का कोई ऐसा सीन जो आपको अभी तक याद हो? वो पुल वाला सीन जिसमें उसने रस्सी पकड़ी हुई थी और उसकी गाड़ी गुजर रही थी, द मोस्ट लाइक स्ट्रॉन्गेस्ट सीन और मजे का जो सीन था वो ये था जब वो रॉकी बैठा हुआ था गाड़ी में और आगे जब माँ से वो रोटी गिर जाती है और पीछे से सारे लोग चला रहे होते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं चला रही है, और वो जब वो पिस्टल बाहर निकालता, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट थ्रिलिंग सीन था। तो वो जब रोकी जा रहा होता सारा माल मतलब पैसा लेके सब जा रहा था, जब उसको वो मिसाइल वगैरह बजते हैं तो बड़ा बेसब्री से इंतजार है कि उसका पार्ट 3 भी आएगा, वो देखना चाह रहे हैं कि वो क्या होता है, डूब जाता है बच। सारी पहले वो गुंडों के कहने पर चलता था, अब सारी हुकूमत उसके खिलाफ हो गई है, सारी जैसे उसने गरोड़ा को मारा था पार्ट 1 में। तो आपको क्या लगता है कि एंडिंग क्या होगी इस फिल्म की? एंडिंग जहाँ तक मुझे लगता है यही है कि जिस तरह रॉकी काफ़ी बदनाम हो गया था अपनी बाकी गवर्नमेंट वाली साइड पे और उसने अपने आप को एक्चुअली स्पॉटलाइट से साइड पे किया, जिसकी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है उसकी किसी ना किसी तरह स्ट्रॉन्ग एंट्री होगी, थर्ड पार्ट आएगा। प्रेडिक्शन यही है कि थर्ड पार्ट आएगा। वो कैसा होगा? और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगा आई थिंक, उसका जो यानी एंट्री होगी ना इट विल बी वेरी गुड।
हिट लिस्ट पे थी बॉलीवुड इंडस्ट्री, लेकिन अब इंडियन इंडस्ट्री बहुत वास्ट लेवल पे जा रही है। बॉलीवुड से निकल के वो लोग काम कर रहे हैं तमिल मूवीज पे, साउथ इंडियन मूवीज पे, इंडियन पंजाबी मूवीज पे। KGF 2 देख लें, अभी रिलीज हुई है 14 अप्रैल को, उसके बाद बाहुबली है और अदर देन दैट RRR बहुत हिट गई है। तो क्या कहेंगे? मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, मैं रिसेंटली दुबई से आया हूं और अभी KGF देख के आया हूं। इट वाज अ वन ऑफ द अमेजिंग मूवी। चैप्टर 1 मैंने पाकिस्तान में देखा था, लेकिन चैप्टर 2 एक तो बॉलीवुड जो दिखा रहा है और जो लॉलीवुड जो तमिल मूवीज़ है ना, वो एक वास्ट लेवल पे और फिक्शन को छोड़ के वो एक स्टोरी दिखाई जाती है। जबकि बॉलीवुड में एक्टर्स का काम बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई स्टोरी नहीं होती। इंडियन मूवीज़ की अगर हम बात करें तो पहले सिर्फ बॉलीवुड की हद तक इंडस्ट्री कैद थी, बॉलीवुड को ही देखा जाता था, कॉपी किया जाता था, फॉलो करते थे लोग। लेकिन अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बड़ी वास्ट हो गई है, तमिल मूवीज़ आने लगी है, जैसे आपको साउथ इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन आने लग गई हैं, वहाँ पे इंडियन पंजाबी मूवीज़ उनकी बड़ी हिट जा रही हैं। अभी KGF आई है, KGF 2 रिलीज़ हुई है, KGF 1 भी हिट गई थी, RRR आई है, 500 करोड़ क्रॉस की है, उसके बाद बाहुबली उनकी बड़ी। तो किस तरह देख रहे हो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ता हुआ? बाहुबली ही देखी थी तो उसमें काफ़ी रैंकिंग हुई थी, उसमें एक्शन प्ले स्टोरी एक हट की थी, लाइक इंडियन में एक ही स्टोरी वो प्ले करते रहते हैं, तो तमिल मूवीज़ में ये लोग बिल्कुल एक अलग सिनेरियो रखा था उन्होंने, फाइटिंग एक्शन लव सब कुछ एक पूरी वो मूवी में था। तो उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री सबसे बड़ी मेन सोर्स ऑफ इनकम बन सकती नहीं, बन सकती है, बनी हुई है, लेकिन इशू ये है कि उस पर कॉन्सेप्ट नहीं है ना, कोई स्टोरी नहीं है। वो वीडियो अब जो भी मूवीज आती है 50 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ कमा के चली जाती हैं, जबकि तमिल आप देख लें वो स्टार्टिंग ही उनकी फर्स्ट डे से मैंने टिकट ब्लैक में खरीदी है KGF की दुबई में। दोस्तों जिस तरीके से KGF चैप्टर 2 दिन ब दिन एक के बाद एक बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते जा रहा है, कहीं ना कहीं पूरी बॉलीवुड भी इसके ऊपर नज़र बना के रखे हुए, ना सिर्फ बॉलीवुड पूरी दुनिया के लोग इसके ऊपर नज़र बना के रखे हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सेकेंड रैंकिंग पे लिस्ट हो रहा है। इतना बड़ा हाइप पे ये KGF चैप्टर 2 रनिंग पे है और जिस तरीके से इंडिया में कलेक्शन कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बेल्ट में लगभग 4 दिनों में 200 करोड़ की नज़दीक पहुंच गया। तो इतनी हाई स्केल पे, हाई लेवल पे ये लोग आकर इसको देख रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको फॉलो कर रहे, इसके दीवाने हो चुके, और नेपाल, बांग्लादेश, सारी सराउंडिंग पूरी इस रीजन में ये इतना बड़ा तहलका मचा के रखा है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये करना इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्राइड है, लेकिन एक इंडिया का भी प्राइड है। जिस तरीके से ये इंडिया की देखने की जरिया थे, उसको अलग तरीके से पहचान दिया है, और KGF चैप्टर 2 आराम से 1000 करोड़ के ऊपर कलेक्शन करने वाला है, ये इंडिकेशन चैप्टर 2 दिखा दिया है, और 4 से 5 दिनों में 500 ग्लोबली कलेक्ट कर चुका है। तो आने वाले 4-5 या इस हफ्ते में 1000 करोड़ तक तो टच हो ही जाएगा।